चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 75। अब हम बात करने वाले हैं एक और, आप इसको नेम रिएक्शन बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन ये कैटेगरी है रिडक्शन की। ठीक है, क्योंकि हम अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हैं उसी की पाथ में है हम, तो जितना भी हो सकेगा हम उसी पाथ में फॉलो करेंगे। इसको बोलते हैं मर्विन पोंड्रर फर्ले रिडक्शन। ठीक है, होता क्या है कि अगर हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल एल्कोक्साइड को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में ही ट्रीट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के साथ में, तो एल्कोहल्स बनते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स, और अगर हम उसके कीटोन को कोई ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में ये सब्सट्रेट जो है किसी कार्बन कंपाउंड को कर रहा है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पे इस तरीके से अटैक करेगा, एक रिंग टाइप मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। ठीक है, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी अगर हो तो इस तरीके का सब्सट्रेट बनता है, और उसके बाद में हमारा पहला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निकल जाता है। ठीक है, एज ए कीटोन जो उस पर लगा हुआ था, ये एज ए कीटोन ऐसे करके निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज मतलब होती है, ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है कार्बन कंपाउंड पे। देखिए हाइड्रोजन यहां पे है, ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, वापस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो करेगा, रिएक्शन करेगा और फिर एक और सब्सट्रेट वो करेगा और प्रोटीन यहां से रिलीज करेगा। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होगा आइसोप्रोपाइल जो हमारा सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन है, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज ए लाइक एक इंजन की तरह काम करता है। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वहां पे है, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही इसको बार बार अटैक करके इसको रुकने नहीं देगा। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में भी आती है, और इसी सब्सट्रेट का इस्तेमाल करके आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो अगर आपने अल्कोहल ले लिया इसका, यानी ये रिएक्शन जो है उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं प्रेजेंट कर चुका हूं। ये मैकेनिज्म कुछ इसका इस तरीके से ही दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको आप याद नहीं कर सकते हो, इम्पोर्टेंट मतलब ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसको याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और याद नहीं कर सकते हैं तो बट हमें बस पता होना चाहिए कि भाई इसका भी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये चीजें आप देखते रहिए। जितना ज्यादा डिटेल में मैं जा रहा हूं उतने डिटेल में बहुत सारे मतलब ये सब चीजें बहुत पेड होती हैं, लोग बहुत पैसे लेते हैं इन सब चीजों के, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के पास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में ये सब चीजें पहुंचे और लोग समझें। तो आई होप यू लाइक अवर वीडियोस, एटलीस्ट कंटेंट वाइज तो आप सुन ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।